तो गाइस मम्मी कितनी अच्छी अच्छी रोटी बना रही है, फूली फूली। हेलो गाइस, वेलकम टू देसी रसोई ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मम्मी बनाने वाली है कटहल की सब्जी और अभी मम्मी जला रही है आग। इधर मम्मी आग जला रही है। तो गाइस इधर आग भी जल गई है। तो गाइस इधर मम्मी ने कढ़ाई रख दिया, उसमें पानी भी गर्म होने के लिए डाल दिया है क्योंकि आज ना कटहल उबाल के बनाएंगी मम्मी। और इधर मम्मी कटहल को धो रही हैं। बड़े बड़े पीसेस में ना इसे छोटा छोटा कट कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तो इतने बड़े बड़े खाते भी नहीं है। तो मम्मी इधर कटहल को ना उबलने के लिए डाल रही हैं, 10 से 15 मिनट में उबल जाएगी अच्छे से। तो गाइज अभी आया है एक दूध पीने, जिसके लिए दूध रखा है, रोटी रखी है, और अभी दो आई नहीं है, दो उधर ही हैं छत पे हैं अभी। तो गाइज मम्मी इधर अभी गूंद रही हैं आटा, इतने हमारी कटहल उबल रही है और नौ आ गए हैं दूध पीने। अभी तीसरा नहीं आया, तीसरा और रह गया है। बोरू बोरू। तो गाइज दूध पीने में बिजी हैं सुन। तो गाइज मम्मी गूंदने लग गई हैं आटा और अभी आ गया है तीसरा भी दूध पीने। और ये चल दिए ऊपर महाराज दूध पी के। ये अब शिकार करने के सोचते हैं लेकिन ये कभी खुद ही शिकार बन जाते हैं। तो गाइस मम्मी अभी कटहल को देख रही हैं कि वो बनी है या नहीं, और मम्मी चिमटे से निकाल के देख रही हैं। तो हो गई है कटहल भी अब। गाइस इधर कटहल भी हो गई है हमारी अब उबल के रेडी। अब इसमें तड़का लगाएंगे मम्मी। कटहल को ना दूसरे बर्तन में निकाल के रख रही हैं क्योंकि कढ़ाई एक ही है, उसी में तड़का लगाना है। गाइस यहाँ पे ना अपनी बेल के लिए हमने ना ये वाला बांस लगाया ताकि ना वो, गाइस ये हमने बांस लगाया है इधर ताकि हमारी बेल ना टीनों पे चढ़ जाए क्योंकि उधर जो उधर की साइड चढ़ रही है ना तो फिर वो नीचे लटक जाएगी, तो फिर उसमें से ना तोरी घी वगैरह तोड़ने में हमें भी दिक्कत होगी, इसलिए ना ये इधर की साइड चढ़ाने के लिए हमने ना बांस लगा दिया अपनी छत पे। इधर मम्मी ले रही है मसाले, हल्दी ले ली है, धनिया ले लिया है, मिर्च ले लिया है और नमक। इधर हो गया हमारा तेल भी गरम। गाइस मम्मी इधर काट रही हैं मिर्ची। तो गाइस बारिश के मौसम की वजह से ना छत भी कितनी गीली गीली सी रहती है। और अब मम्मी ने डाल दिया जीरा, अब मिर्ची। बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगी ये कटहल की सब्जी पर, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होगी। गाइस ये मसाला भी ना तब तक भुनना पड़ता है तब तक ना ये तेल सा ना छोड़ने लगे क्योंकि ये मसाला कच्चा है तो इसे भुनने के लिए भी टाइम लगता है थोड़ा। तो गाइस कितनी अच्छी लग रही है कटहल देखने में और मसाला भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। गाइस अब ना कटहल थोड़ी देर भुनेगी और फिर बन जाएगी क्योंकि उबाल तो हमने पहले ही ली थी। इस कटहल कितनी अच्छी बन गई है और कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी। मम्मी अभी इसको थोड़ा सा चला रही है, भून रही है अच्छे से। तो गाइज इधर मम्मी रोटी बनाने की भी तैयारी कर रही है और आज हमारा खाना ना बहुत जल्दी बन गया है, टाइम सही।
क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है ऊपर। तो गाइस मम्मी कितनी अच्छी अच्छी रोटी बना रही है, फूली फूली। तो गाइस ये दोबारा आ गए दूध पीने, ये जाते हैं पचा के आ जाते हैं फिर दोबारा आ जाते हैं। गाइस देखो सारी रोटियां कितनी फूली फूली आ रही हैं। कभी चूल्हे पर रोटी बनानी हो ना तो थोड़ी मोटी बनाओ, क्योंकि फूलती है वो रोटी, और पतली बनाते हैं ना वो टाइट हो जाती है रखने के बाद, ज़्यादा फूलती भी नहीं है अच्छे से। तो हल्की सी मोटी बनाओ नॉर्मल रोटी तो वो सही बनती है फूली फूली रोटी। तो गाइस ऐसे अच्छे तरीके से उसे बेल के तब बनाओ। तो गाइस मम्मी अभी इधर ही रोटियाँ बना रही है और बिल्ली का बच्चा बैठा है इधर, इसने दूध भी पी लिया है, बाकी दो चले गए हैं अभी और ये बैठा है। तो गाइस सारी रोटी भी बन गई है, मम्मी इधर से बर्तन वर्तन धो के अब चलते हैं नीचे।